हेलो एवरीवन, तो आज हमारे मिस्टीरियस बॉक्स में है आप सबके लिए शीट मास्क। तो आज हम टोटल 6 शीट मास्क लेकर आए हैं, जिसमें से 2 नायका के हैं, 1 पॉन्ड्स का है, 1 है हमारा 2 है हमारे टोनोमोली के, और एक है हमारा गुड वाइब्स का। तो मैं आपको बताऊंगी इन सब शीट मास्क में से कौन सा शीट मास्क बेस्ट है, कौन सी ब्रांड बेस्ट है प्राइस के अकॉर्डिंग और आपकी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पॉपुलर उठाते हैं नायका। नायका के शीट मास्क बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। ये मेरा फर्स्ट शीट मास्क नहीं है, इसके अलावा भी मैंने काफ़ी शीट मास्क इसके यूज़ करे हैं नायका के। अराउंड मैं इसके कम से कम 15 to 20 शीट मास्क पहले यूज़ कर चुकी हूँ। इसमें और भी टाइप के आते हैं, ठीक है। तो हमने इस बार पिक करा है आंवला पपाया फॉर ग्लोइंग एंड नरिश्ड स्किन, और हमने लेमन प्लस हनी करा है ग्लोइंग क्लियर स्किन, ठीक है। तो बात करें इनका प्राइस क्या है, तो इनका प्राइस है 100 रुपीज़ ईच। नायका पे वैसे ऑफर चलती रहती है, नहीं बाय 5 get 5 वाली, तो उसमें आप कोई भी 10 शीट मास्क ऐड करो और इसमें से 5 का प्राइस पे करो, मतलब 500 में आपको टोटल 10 शीट मास्क मिलते हैं, ठीक है। तो आप ये ऑफ़र चेक कर सकते हो उस पर जाके। तो ये है मेड इन कोरिया। बात करें इसको यूज़ कैसे करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है, उसके बाद इस पैक को ओपन करके इसका शीट मास्क निकाल के अपने फेस पर लगाना है। उसके बाद आप इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ दो, उसके बाद उसको हटा दो और उसके बाद फेस पे मसाज कर लो, वॉश नहीं करना आपको फेस। अच्छा, पता है कुछ लोग क्या करते हैं कि ना वो शीट मास्क लगाते हैं और उसमें लिखा होता है 10 to 15 मिनट्स आपने लगाना है, तो वो क्या करते हैं कि वो उसको ना पूरी रात लगाए रखते हैं, तब तक वो ड्राई ना हो जाए तब तक वो उसको फेस पे रखते हैं कि हमें पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा, शीट मतलब पूरा सीरम अच्छे से हमारे स्किन में चला जाएगा, पूरी रात में रहेगा तो अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है जो बहुत से लोग करते हैं शीट मास्क को यूज़ करते वक्त, क्योंकि 15 मिनट्स के बाद वो ड्राई होने लगता है, फिर वो आपके स्किन के अंदर से मॉइस्चर अपने उसमें एब्जॉर्ब करने लगता है, तो हाइड्रेशन प्रोवाइड करने की जगह उसके रिजल्ट्स अपोजिट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि हवा चलती है, वो ऑब्वियसली बात है रूम में एयर तो होती है, तो वो आपके शीट मास्क के उसको ड्राई करती है, फिर वो आपके स्किन के अंदर से एब्जॉर्ब कर लेता है सारा मॉइस्चर। तो ये गलती कभी भी मत करें, अगर उस पर लिखा है कि 10 to 15 मिनट्स रखना है तो 10 to 15 मिनट्स ही रखें, उसके बाद उसको हटा दें, ठीक है। और उसके बाद अच्छे से मसाज करें फेस पे, ताकि आपकी जो स्किन पे रह गया वो एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन के अंदर। तो ये दोनों शीट मास्क हैं, ये दोनों मैं पहले भी ट्राई कर चुकी हूँ। बात करें कि इसमें होता क्या है, इसमें होता है हमारा सीरम मेनली, इसके अंदर जो मेन वो होता है सीरम, जो आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अभी सीरम निकला था गार्नियर का, वो कहते थे कि जैसे कि अभी सीरम आया था गार्नियर का, तो वो क्लेम कर रहे थे कि 7 days का सीरम आपके स्किन को 1 time में ही प्रोवाइड कर देगा। तो ऐसे ये शीट मास्क यूज़ होते हैं कि ये वीक में 1 time यूज़ करने होते हैं, ठीक है, या आप 2 times भी यूज़ कर सकते हो। ये आपके स्किन को ग्लो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये क्लियर स्किन के लिए और लेमन ब्राइटनिंग के लिए भी होता है। तो अगर आपका ब्राइटनिंग पर्पस है तो आप एवरी वीक ये वाला शीट मास्क यूज़ कर सकते हो। नायका के शीट मास्क अच्छे हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आप एक ग्लोइंग स्किन चाहते हो। तो ये दोनों ग्लो के लिए हैं, बट ये नरिश्ड के लिए और क्लियर के लिए। तो आपको जो आपका पर्पस है उसके अकॉर्डिंग आप शीट मास्क को सेलेक्ट करो, फिर उसको यूज़ करो, ठीक है। तो नायका की बात करें तो नायका को हम रेट करेंगे शीट मास्क के अकॉर्डिंग 8 out of 10, जो हमें इसका रिजल्ट मिला उसके अकॉर्डिंग। मूव टू नेक्स्ट के पॉन्ड्स का। पॉन्ड्स का शीट मास्क अच्छा है। इसका प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 75। ये ऑलमोस्ट बहुत ही कम होता है कि ऑफर्स में मिल जाए,
इसमें है विटामिन ए, टोमेटो एक्सट्रैक्ट, और ये फर्म एंड यूथफुल स्किन के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गार्नियर का जो शीट मास्क है वो क्लेम कर देंगे 7 डेज का सीरम आपको वन डे में दे रहा है, स्किन को प्रोवाइड कर रहा है। ये लोग कहते हैं कि 15 टाइम्स मोर मॉइस्चराइजिंग सीरम है ये, मतलब कि जितना आपको एक मॉइस्चराइजिंग सीरम आपके स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा उससे 15 टाइम्स ज़्यादा ये शीट मास्क आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या है, 100% नेचुरल टोमेटो एक्सट्रैक्ट से बना है, अल्कोहल फ्री है, पैराबेन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और 100% बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक यूज़ हुआ है। ठीक है, मतलब फैब्रिक वाइज इसमें शीट जो है इसकी वो उस फैब्रिक की है। ठीक है, तो ये प्लम्पी स्किन के लिए है। पॉन्ड्स का, पॉन्ड्स के और भी आते हैं, हाइड्रेशन के लिए अलग होता है, डिटॉक्सिफाइंग के लिए अलग होता है। तो वही मैं कहूँगी जो आपकी नीड है आप उसके अकॉर्डिंग परचेज़ करो। इसका भी सेम है यूज़ करने का वे, वही 15 टाइम्स मॉइस्चराइजिंग सीरम, प्राइस इसका 75। ये बहुत ही रेयर होता है कि आपको ऑफ़र में मिल जाए, पर इसका प्राइस भी रीज़नेबल है। अगर 15 टाइम्स ज़्यादा, डबल नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है और एड्स भी उससे कम है, तो अगर आप प्लम्प स्किन चाहते हो तो आप पॉन्ड्स के भी ले सकते हो, पॉन्ड्स के भी अच्छे हैं। फिर आता है हमारा टोनोमोली, ये भी एक कोरियन ब्रांड है। ठीक है, बात करें इसका, ये वाला शीट मास्क काफ़ी अच्छा है। टोनोमोली का एक शीट मास्क और आता है जो है कोकोनट का, वो शीट मास्क जिनकी ड्राई स्किन है वो अगर समर में यूज़ करें तो उनकी स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाएगी और बहुत अच्छी लगेगी। मैंने उसका खुद यूज़ करा है, बहुत ही अच्छा शीट मास्क है उसका, कोकोनट वाला टोनोमोली का ही। तो ये हमारा कोलेजन के लिए, इलास्टिसिटी की केयर करेगा, और ये हमारा न्यूट्रिशन के लिए। बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस भी सेम है, 100 रुपीज़ ईच। ठीक है, बाकी इन्होंने थोड़ा चाइनीज लैंग्वेज में लिख रखा है, इतना ही समझ में आ रहा है कि कोलेजन का, बट इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, इसकी ब्रांड के शीट मास्क भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इसको अगर हम रेट करें तो इसका 8.5 out of 10। ठीक है, और पॉन्ड्स वाले को अगर हम रेट करें तो वो भी अच्छा था, मैंने इसके डिटॉक्स वाला भी उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो उसके लिए 9 out of 10। लास्ट में हमारे पास ये गुड वाइब्स का कोरियन जिनसिंग वाला नरिशिंग शीट मास्क है, ये नेट वॉल्यूम 20 ml। बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस भी है 99 ही, काफ़ी दिन पहले आया था मेरे पास, मैं इसे यूज़ नहीं कर पाई इसका, नहीं मैंने दो लिए थे बाय वन गेट वन में, तो एक मैंने यूज़ कर लिया। इसकी स्मेल मुझे थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी थी, जो बात सच है, और थोड़ी अजीब सी स्मेल सी लग रही थी तो मुझे अनकम्फर्टेबल हो रहा था, इस वजह से मैंने इसका दूसरा वाला नहीं यूज़ करा। गुड वाइब्स का है ये, और बात करें इसको रेट करने की, वैसे ही ओवरऑल सही सही है, रेट करने की तो मैं इसको सिर्फ 6 out of 10 दूंगी, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी, जिनसन वाले की तो बहुत ही ऑकवर्ड थी, बाकी मैंने और ट्राई किए तो उनकी स्मेल सही थी। इसकी फ्रेग्रेंस भी सही है, अच्छी है, इरिटेशन नहीं होगी आपको, और इन सब की तो है ही अच्छी, नायका की, पॉन्ड्स वगैरह। तो अगर आप इसका मानते हो, अगर कभी ड्राई स्किन है तो कोकोनट वाला ज़रूर ट्राई करना, पॉन्ड्स का डिटॉक्सिफाइंग वाला भी बहुत अच्छा है। तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप ये सारे शीट मास्क जाके परचेज़ कर सकते हो। मैंने आपको इसका करेक्ट वे बताया इसको यूज़ करने का, और ज़्यादा 10 to 15 minutes से ज़्यादा मत यूज़ किया करो, मैक्सिमम आप इसको 20-30 minutes रख लो, लेकिन उससे ज़्यादा मत यूज़ करा करो, आपकी स्किन को ही हार्म होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम और लेकर आते रहेंगे और रिव्यूज़ डालते रहेंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।